नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगी। दोस्तों आज हमारे पास है बोस कंपनी का GCU 200। ओनली 200 है दोस्तों। 2000 भी इसका मॉडल आता है। दोस्तों देख पा रहे हैं, क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। GCU 200 मॉडल है दोस्तों। 2200 वाट का ये चौपसा मशीन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों ये हमारे पास रिपेयर के लिए आया है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क कर रहा बताया तो इसको हम कर रहा है, तो एक बार चेक करते हैं वायरलेस। रियली में बहुत ज़्यादा स्पार्क है इसके अंदर, देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों इस मशीन को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट खोल के चेक करेंगे, इसके अंदर क्या क्या ख़राब है और किस टाइप से हमें चेक करना है, फील्ड ख़राब है या आर्मेचर ख़राब है। तो दोस्तों इसको कहाँ से खोलना है और किस टाइप से हमें किस किस टूल की इसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ध्यान से देखना है। और ये देखिए दोस्तों, हमने मशीन को खोलना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम खोलेंगे इसके कार्बन बूश, जो कि हम चेक करेंगे। कई बार क्या होता है, कार्बन बूश फंसने पर भी इस टाइप से स्पार्क आ जाती है मशीन के अंदर। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसके अंदर फॉल्ट कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों दोनों कार्बन बूश खोल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों ये देखिए, दोनों जो कार्बन होल्डर के कैप है हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, इसमें देखिए स्प्रिंग वाले कार्बन नहीं है, क्योंकि होल्डर के अंदर स्प्रिंग है, जिससे दोस्तों कई मॉडलों में क्या होता है कि स्प्रिंग वाले कार्बन होते हैं, जिस कार्बन ख़त्म होने के बाद में स्प्रिंग टच हो जाती है आर्मेचर के ऊपर और आर्मेचर हमारा शॉर्ट हो जाता है तुरंत ही। तो दोस्तों इसमें ये काफ़ी अच्छी बात है, कार्बन पूरा ख़त्म होने पर भी मशीन के आर्मेचर को कोई ख़तरा नहीं होता। तो दोस्तों पूरे पेच खोल दिए हमने, हैंडल वगैरह सभी खोल दिए हैं। और ये देखिए, और इसके जो हमने आर्मेचर हाउसिंग है उसके भी पेच खोल दिए हैं सभी पेच। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से खुल चुकी है मशीन। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, हम इस टाइप से इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे जो आर्मेचर है इसका। तो आर्मेचर को दोस्तों फिजिकली एक बार अच्छे से चेक करेंगे। आर्मेचर दोस्तों हीट तो खाया हुआ है, बाकी रगड़ इसके ऊपर है नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए जो धागा है, बिल्कुल इसका जो धागा बाइंड था इसके ऊपर से सेफ्टी के लिए, पूरा जल चुका है हीट खा के। और कम्यूटेटर इसका शॉर्ट है नहीं दोस्तों, तो दोस्तों ये चल भी सकता है, बाकी कहीं से जला हुआ भी नहीं दिख रहा है। और इसका फील्ड है दोस्तों, फील्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त हीट खाया हुआ है। तो दोस्तों फर्स्ट में इसका जो फील्ड है, हम फील्ड ही इसका चेंज करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी नॉलेजफुल हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियो आपके लिए मेरे चैनल पर आते रहते हैं, मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको जो फील्ड कॉइल के कनेक्शन है, यहाँ से स्विच से अलग कर लेंगे। और ये देखिए, पूरी हाउसिंग को अलग कर दिया है हमने यहाँ से। और इसके बाद में दोस्तों ये कार्बन है जो यहाँ से हमको हटाने होंगे। बोस के कार्बन देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट जो थिम्बल है इसकी कार्बन की, फील्ड के वायर के ऊपर ही लगी हुई है। तो दोनों लेफ्ट राइट दोनों को हम खोल के अलग कर देंगे कार्बन को, ये देखिए। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, इसमें पत्ती लगी हुई है, दो पत्ती के अंदर पेच लगे हुए हैं नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। ये देखिए लॉक पत्ती, जो कि फील्ड को अंदर की तरफ रोक के रखती है, काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है दोस्तों, बिल्कुल चौकोर फील्ड है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, देख पा रहे हैं। बोस में ही आपको इस टाइप की फील्ड देखने को मिलती है, सभी मशीनों में बोस में दो पार्ट के अंदर फील्ड मिलती है दोस्तों। देखिए प्लास्टिक हैमर से ठोकना है अच्छे से, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर बराबर, लोहे वाले हैमर का यूज़ नहीं करना, वरना आपकी जो हाउसिंग है टूट सकती है। तो दोस्तों ये देखिए, दो पार्ट की फील्ड आती है हमेशा बोस के अंदर, जो जेन्युइन फील्ड आती है। तो फील्ड है जो इसकी बिल्कुल हीट खाई हुई है, और आर्मेचर है इसका दोस्तों, हम चलाकर ही चेक करेंगे, तो उसके बाद ही पता लगेगा आर्मेचर इसका ठीक चलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए, जो इसकी फील्ड है, तो दोस्तों हमारे पास जो इसकी फील्ड है ओरिजिनल बिल्कुल दो पार्ट के अंदर अवेलेबल है मार्केट में दोस्तों। आपको लगभग 1400 से 1500 के बीच आपको अच्छे से ये फील्ड ओरिजिनल अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, फील्ड के जो वायर हैं उनको सीधे करके, बिल्कुल जेन्युइन फील्ड है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और फील्ड को हम ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट करके बिल्कुल सीधा एकदम बिल्कुल इसको, और हम इसको फिट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे
दोस्तों फिटिंग काफ़ी अच्छी है। देखिए जैसे ही हम इसको नीचे प्रेस करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से फील्ड सेट हो जाती है, कोई हैमर की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। और ये देखिए जो कार्बन के फील्ड वाले वायर हैं उन पे हम कार्बन लगाकर यहाँ पे थिम्बल और इस पेच को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों दोनों को ही इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे कार्बन को और इसको भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों कार्बन आपके लूज हो तो थिम्बल को थोड़ा टाइट करके लगा दें, वरना आप कार्बन नहीं डाल दें। तो दोस्तों वायर है जो फील्ड के हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। वायर काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों सेट करना, ताकि आर्मेचर के बीच में नहीं आए। और इसके बाद में हम फील्ड को लॉक कर देंगे जो इसकी पत्तियाँ लगी हुई है लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो दोस्तों फिटिंग देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल ठोकने पीटने की कोई आवश्यकता है नहीं इसके अंदर। और ये देखिए दोनों पत्तियाँ हमने कस दी है, बिल्कुल प्रॉपर टाइट करना है दोस्तों, ताकि मशीन चलने पर वाइब्रेशन से खुले नहीं है। और ये दोनों वायर को बिल्कुल सेट करके हमने बाहर निकाल दिया जो कि इसके कनेक्शन वायर हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो डस्ट कवर है इसको सेट कर लेंगे। तो दोस्तों मशीन की फिटिंग काफ़ी वास्तव में काफ़ी कमाल की है दोस्तों। ये देखिए आर्मेचर को हम सेट कर लेंगे। आर्मेचर को लगाने के लिए भी हमें किसी हैमर से ठोकने की ज़रूरत नहीं है। और रबड़ सीट का आप ध्यान रखें दोस्तों, रबड़ सीट इसमें लगी हुई है, ओके है बिल्कुल। बैरिंग भी इसके ठीक है, कोई रगड़ नहीं है फील्ड और आर्मेचर पे। तो दोस्तों देखिए पेच लगा देंगे बिल्कुल इसके। पेच लगाने के बाद हम इसके कार्बन बुश लगा देंगे होल्डर के अंदर। वैसे इसके लग चुके हैं हमारे कार्बन बुश, बाकी होल्डर के अंदर इनको हम सेट कर देंगे। दोस्तों पेच आपको वन बाय वन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करने, ताकि मशीन का जो बैलेंस है बिल्कुल अच्छा रहे, मशीन बिल्कुल फ्री हो अच्छे से। तो दोस्तों बिल्कुल जो पेच है हमारे लग चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए वायर जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों टेप की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कनेक्टर दिया हुआ है, न्यूट्रल का वायर इसमें डायरेक्ट लग गया है और एक वायर हमारा स्विच के थ्रू। तो दोस्तों स्विच पर हम इसका जो वायर है, देखिए थिम्बल भी इसके अंदर बिल्कुल लगी हुई मिली है हमें, क्योंकि जेन्युइन जो पार्ट है बिल्कुल सेम आता है। तो ये देखिए हम इसका जो कार्बन है उसको हमने होल्डर के अंदर डाल दिया है और स्प्रिंग को भी इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए इसको भी हम इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों दोनों कार्बन लगा दिए, एक बार हम चलाकर चेक करेंगे आर्मेचर का क्या हाल है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है आपका जो हाथ है टच नहीं हो जाए, क्योंकि हम हाथ फिटिंग नहीं कर पा रहे। देखिए मशीन बिल्कुल फिट नहीं हो पाई है, आर्मेचर काफ़ी ज़्यादा स्पार्क कर रहा है। स्पार्क जो पहले के बजाय कुछ कम हो चुका है, बाकी स्पार्क इसमें ज़्यादा ही आ रहा है दोस्तों। इसको हमें देख पा रहे जो आरपीएम पूरे नहीं आ रहे। तो दोस्तों कार्बन बुश हम इसके वापस निकाल लेंगे और इसको हम वापस से खोलेंगे मशीन को। वापस खोलने के बाद में आर्मेचर को हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं एक बार आर्मेचर का जो कोई फॉल्ट है इसका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों हो सकता है, चलिए मशीन को हम यहाँ से वापस से जो आर्मेचर और फील्ड की हाउजिंग है इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं वापस से। तो दोस्तों यदि इसका आर्मेचर ख़राब हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा मशीन के अंदर, क्योंकि जो ओरिजिनल आर्मेचर है इसका लगभग 2500 रुपये के आसपास होगा शायद। और यदि ख़राब हुआ तो हम देखते हैं इसमें ओरिजिनल डालते हैं फिर किस टाइप का आर्मेचर, तो देखना होगा, क्योंकि बजट है जो मशीन का रिपेयरिंग के अंदर दोस्तों इतना काफ़ी ज़्यादा बजट जल्दी से कोई कस्टमर है खर्च नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मशीन को हमने यहाँ से चारों पेचों को खोल दिया है और अब हम इसको आसानी से अलग कर देंगे ये देखिए, और आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो दोस्तों आर्मेचर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जो धुआं कुछ बाहर आ चुका है, अंदर से शॉर्ट था आर्मेचर जो कि पहले शॉर्टिंग नहीं हुआ था पूरे से अच्छे से, तो दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, आपको दिख पा रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों कम्यूटेटर शॉर्ट नहीं, इसका वाइंडिंग है जो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। तो दोस्तों इस मशीन के लिए हम आर्मेचर भी चेंज करेंगे इसका, और ये आर्मेचर ख़राब है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।